जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं कर सकता उसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि वो 12वीं फेल हैं, और क्योंकि वो 12वीं फेल हैं इसलिए उनकी थिंकिंग उतनी ही है। उन्होंने एक हीरोइन से शादी की है तो उनको लगता है कि पूरा बॉलीवुड वही जानते हैं और पूरा बॉलीवुड उनके घर में है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आयशा तकिया जी बॉलीवुड का 0.00 पॉइंट, मेरे ख्याल में 1-2 पॉइंट के आगे भी बहुत, मैं क्या कितना बताऊं, उनका ये योगदान है बॉलीवुड में। तो अगर वो ये समझते हैं कि भाई मेरे घर में पूरा बॉलीवुड है तो वो गलत समझते हैं। कल का ही इंसिडेंट है कि भाई सोफी चौधरी जी ने बहुत हॉट पिक्चर्स ट्विटर्स पे डाली और मैंने उनको, मेरे पास मैसेज है, मैंने उनको, क्योंकि ट्विटर पे मैं नहीं लिख सकता एज ए पॉलिटिशियन, मैंने उनको मैसेज भेजा कि यार मैं ट्विटर पे नहीं लिख सकता बट आपकी बहुत हॉट एंड सेक्सी पिक्चर हैं। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया हंस के कि थैंक यू, आपने मैसेज पे ही कहा, यही बहुत है। तो ये फरहान साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बॉलीवुड है, यहाँ जहाँ से आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से बॉलीवुड की सोच शुरू होती है। तो आप ये डिसाइड अपने घर में बैठ के मत कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप 12वीं फेल है, आपकी उतनी ही थिंकिंग है, आप वहीं अपने घर में डिसाइड कीजिए कि क्या सही हो रहा है आपके घर में और क्या गलत है। अपने घर वालों के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ जा करके आयशा तकिया जी से शादी की। उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि आप जो हो सकता है आपसे कर लीजिए, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। तो जो आदमी अपने घर वालों की इज्जत नहीं करता, जो आदमी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो दूसरों को इज्जत का पाठ कैसे पढ़ा सकता है। पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं और पब्लिक इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है। हारना तो खैर उनका 1000% पक्का है, बट अगर उनको राखी सावंत से ज्यादा वोट मिल गए तो मैं जिंदगी भर के लिए पॉलिटिक्स से तोबा कर लूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 17 साल से है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में और 17 साल में आज तक एक सीट नहीं जीत सके। उसका रीजन यही है कि वो पार्टी यहां समाजवादी पार्टी नहीं, अबू प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें फरहान जैसे बेवकूफ हैं। और ऐसे ही बेवकूफ अगर होंगे तो आगे 1700 साल में भी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकती। तो अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के नाम पे पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं, जो फरहान आजमी झूठ बोलते हैं कि वो मुसलमानों के यहाँ हमदर्द हैं और शिवसेना और MNS के खिलाफ है। हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के नाम पे अबू आजमी साहब शिवसेना को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को कमजोर करते हैं, यही महाराष्ट्र में उनका काम है और इसी पे वो पार्टी चलती है। 2013 में BMC शिवसेना के अंडर में है। 2013 में BMC ने गार्बेज फेंकने का 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अबू आजमी की कंपनी को दिया और इस इलेक्शन में शिवसेना को हेल्प करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए 2014 में वो कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ से 500 करोड़ बढ़ाकर देने का प्रॉमिस किया गया। इसलिए समाजवादी पार्टी शिवसेना को हेल्प कर रही है। बुला बुलाकर गलत बातें करने की कोशिश की गई है और उसके बाद ही मैंने तहकीकात की कि भाई पार्टी शिवसेना के साथ काम कर रही है। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि पार्टी के पास
शिवसेना के कॉन्ट्रैक्ट है, शिवसेना ने 200-400 करोड़ रुपए का पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है गार्बेज फेंकने का, आगे 2014 में वो कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ का हो जाएगा। तो एक आदमी जो शिवसेना के साथ मिलके बिजनेस कर रहा हो वो शिवसेना के खिलाफ हर वक्त कैमरे के सामने बातें कैसे कर सकता है। मैं तो अब तक उनके स्टेटमेंट वही देखता आ रहा था, तो मुझे यही पता था कि भाई ये पार्टी है जो शिवसेना के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है या मनसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है। मुझे ये पता नहीं था कि ये एक अबू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है और अपनी जो मिल्कियत है वो बढ़ा रही है। ये इस एरिया के जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मुझे इसके लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं। और उन सब ने, ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि उन सब ने कल एक पेपर पे साइन करके पार्टी ऑफिस में दिया है कि भाई हम चाहते हैं कि कमाल खान ही इलेक्शन लड़े, बट मैं इस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बट जैसे सब उनके जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के ही कार्यकर्ता हैं, वो मुझे फोर्स कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप निर्दलीय लड़िए, इंडिपेंडेंट लड़िए, तो हो सकता है कि मैं अब इंडिपेंडेंट लड़ूंगा इस एरिया के। उन्होंने मुझे एक हफ्ता पहले ये कहा, ये भी एक रीजन है छोड़ने का पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई अब जो है अब हम पैसे बांटने शुरू कर दें, क्योंकि सारी पार्टियों ने पैसे बांटने शुरू कर दिए हैं और रैलियां शुरू कर दें और हर रैली में 2000 फेक लोग बुलाए जाएंगे, जैसे सबकी सब जो बाकी पार्टियों की रैली हो रही है उनमें बुलाए जा रहे हैं। तो मेरा सिंपल जवाब था कि भाई मैं पैसे बांटने के लिए तो आया नहीं पॉलिटिक्स में। अगर मैं आज लोगों को पैसे बांटूंगा, 5-7 करोड़ बांटूंगा और ये सब पैसा उड़ाऊंगा, तो फिर ये पैसे, जाहिर सी बात है, हराम के पैसे तो है नहीं मेरे पास, मैंने तो मेहनत से पैसे कमाए हुए, तो ये फिर पैसे मैं रिकवर भी करूंगा, और अगर रिकवर करूंगा तो फिर मैं पक्का घोटाले करूंगा, करप्शन करूंगा, इसी तरह शिवसेना से और मनसे से कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। तो ये करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया नहीं हूं, इसलिए मैं कोई पैसा बांटने को तैयार नहीं हूं। अगेन आई एम सेइंग आई हैव नॉट सेड एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, आई वाज जस्ट रिपीटिंग द स्टेटमेंट ऑफ आयशा तकिया व्हाट शी हैज सेड दैट मेरे जैसी लड़की को एक्सेप्ट किया। सो आई एम नॉट सेइंग उसका मतलब मैंने कुछ नहीं निकाला और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैंने अगर उनका ही स्टेटमेंट रिपीट किया है एंड शी इज फीलिंग बैड, तो उनके मन में खोट है, मेरे मन में खोट नहीं है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही है और उन्होंने क्यों कहा, ये वो डिसाइड करें। सेकेंड अबाउट द वेट ऑफ ए एक्ट्रेस, मैंने आई हैव नॉट सेड दिस अबाउट एनी नॉर्मल गर्ल, anyone can have weight and anyone can't have, I have nothing to do with that. As a critic it's my responsibility to say about actor, about actress, how they look, what they should do, how is the film. So I was doing my job, it has nothing to do ke bhai derogatory comments, it's not derogatory when I'm a critic and I am talking about a particular film. So I have all the rights to say that okay, she was not looking good. I have I praise many other women in the film, you can say Sonakshi Sinha. I said before that okay, she had more weight in the same manner as you are saying that okay, she is fat. Now she is fit. And I am praising her, I am saying she is looking very good. So it is my job as a critic to say who is looking good, who is not looking good.